अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के एक बयान के बाद से ही देश की सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो वहीं कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है। इन सबके बीच अब बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने भी पीएम मोदी को ही निशाने पर लिया है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने जब से मामले में मिसेस गांधी का नाम उछाला है तभी से बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस को घेर रही है। पिछले दिनों तो बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार दिया था जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। बीजेपी सोच रही थी कि वो अगस्ता को हथियार बनाकर आगामी चुनाव में कांग्रेस पर हमलावर रहेगी मगर उसके इस प्लान पर सहयोगी शिवसेना ने सवाल उठाकर पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सोनिया गांधी का नाम लेने के लिए क्रिश्चियन मिशेल पर दबाव डाला जा रहा है। लेख में लिखा है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की कोई ममता होने का सवाल नहीं उठता लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के लिए सरकारी मशीनरियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे बंद किया जाना चाहिए। शिवसेना ने लिखा कि 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान मिशेल को दुबई से लाया गया था। उसके बाद 1-2 बड़ी जनसभाओं में पीएम मोदी ने मिशेल का जिक्र कर कहा था कि अब देखो क्या विस्फोट होता है। शिवसेना ने कहा कि अब पीएम मोदी की बातों का अर्थ समझ में आ रहा है। उस वक्त पीएम ने संकेत दिया था कि मिशेल सोनिया गांधी और उनके बेटे का नाम लेने वाला है। शिवसेना ने लिखा कि मिशेल को हिंदुस्तान लाकर बीजेपी इसका लाभ 5 राज्यों में देना चाहती थी मगर वैसा कुछ हो नहीं सका। अब मिशन मिशेल का लक्ष्य 2019 है और ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।